मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। त्योहारों का सीजन है लेकिन टेंशन इस वक्त सफर की है, क्योंकि किसी भी आप सफर में निकले आपको टेंशन होगी, कहीं टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं भीड़ बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि आज जो हमारे सहयोगी हैं, तमाम हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, वो यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं, जो लोग त्योहारों पर अपने घर पर जा रहे हैं, उन सभी से बातचीत करने के लिए निकले हुए हैं। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सफर की टेंशन यहाँ पर नजर आ रही है हर किसी के चेहरे पर। हमारे कुछ सहयोगी भी लगातार फील्ड में मौजूद हैं और इसी से जुड़ी कुछ अहम जो खबरें हैं, अहम अपडेट्स हैं, वो हम अपने दर्शकों को दे दें कि त्योहारी सीजन में किस तरीके से सफर की टेंशन इस वक्त हो रही है, कैसे लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं, उनके सामने क्या मुश्किलें हैं। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं, तत्काल में टिकट्स नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, कंफर्म टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ है। अब वीकेंड भी आ गया, छुट्टियां भी हैं, तो यही वजह है कि भारी भीड़ इस वक्त देखी जा रही है। रिजर्वेशन के बावजूद भी मुश्किलें आ रही हैं, त्योहारी सीजन में कंफर्म टिकट्स नहीं मिल पा रहे हैं। जिन्होंने पहले से करवा लिए वो खुशकिस्मत रहे, लेकिन जो आखिरी वक्त तक रुके रहे उनके लिए टिकट्स नहीं अवेलेबल हैं इस वक्त, तो ट्रेनों में ये टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ट्रेनों में टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, यही हाल बसेस में है कि बस में किस तरीके से मुश्किल आ रही है उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि कैसे बस में लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहे, बस अड्डों पर भारी भीड़ है, बसेस कम पड़ जा रही हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या बिल्कुल कम नहीं हो रही है। लगातार यहां पर दबाव बना हुआ है बसों पर भी, और यही वजह है कि यात्रियों की जो टेंशन है, यात्रियों का जो तनाव है, वो लगातार बना हुआ है। तो ये मुश्किल जो है, मुश्किल हालात जो है, वो लगातार बने हुए हैं और ऐसी ही तस्वीरें हर जगह से नजर आ रही हैं। तो सिर्फ ट्रेन, बस या अपने निजी वाहनों की बात नहीं है, अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लाइट्स की, तो टिकट इस समय जो टिकट के दाम है आसमान छू रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन का फायदा यहाँ पर जो विमान कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर ले रही हैं। फ्लाइट का टिकट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, लोग बावजूद इसके कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्लाइट से जाएं, क्योंकि घर जाना है त्योहारी सीजन में, तो फ्लाइट का किराया बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा है। तो फ्लाइट भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन उनका किराया भी इस वक्त आसमान छू रहा है। तो त्योहारी सीजन में फ्लाइट की जो टिकट्स हैं, जो किराया है, वो भी महंगे इस वक्त मिल रहे हैं, किराया भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो लगातार यहां पर मुश्किल हालात बने हुए हैं। त्योहारी सीजन में लोग फेस्टिवल मनाने के लिए घर लौट रहे हैं, लेकिन ये जो सफर है ये बिल्कुल आसान नहीं है, और हमने बता दिया आपको वजह कि क्यों नहीं आसान है। हमारे साथ कुछ जो हमारे सहयोगी हैं वो जगह जगह फील्ड में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमृतांशी जोशी भोपाल रेलवे स्टेशन से इस वक्त मौजूद हैं, और सत्या राजपूत अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भाटागांव रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार इंदर हमारे सहयोगी पंडित दीनदयाल अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल जबलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र गहवाई बिलासपुर रेलवे स्टेशन से हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं अमृतांशी जोशी का, जो भोपाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। अमृतांशी, वहां पर क्या स्थिति यहां पर बनी हुई है, क्या कहना है पैसेंजर्स का जो घर जा रहा है? देखिए, स्थिति परेशानी वाली है, क्योंकि देखिए तमाम लोग यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं, भीड़ आप रेलवे स्टेशन पर देख ही सकते हैं। ये उन लोगों की भीड़ है जो कि अपने घरों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान है। परेशान इसलिए क्योंकि देखिए कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो रही, और तमाम युवा हैं, बुजुर्ग लोग हैं तमाम। आप लोगों की टिकट कन्फर्म है जी? कोई परेशान हुई टिकट में? कोई परेशानी हुई, लेकिन कई लोग परेशान हैं। जो अभी तत्काल में टिकट करवा रहे हैं वो लोग परेशान हैं, हम लोगों ने पहले से करवा के रखा, पहले से करवाई जी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं बाकी लोग तो परेशान हैं, क्योंकि देखिए टिकट्स नहीं मिल पा रहे हैं, लंबे समय से जो टिकट्स करवा कर बैठे हुए हैं। आपकी टिकट कंफर्म है? नहीं। परेशानी हो रही है? एक्चुअली स्टाफ हूँ मैं, स्टाफ। फिर भी टिकट का नहीं मिल पा रहा है? अच्छा, बिल्कुल परेशानी, मतलब वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो रही? नहीं, स्टाफ है पास। अच्छा, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पर लोग थोड़े परेशान हैं, क्योंकि देखिए लंबा समय हो चुका है, त्यौहार पर लोग अपने घर नहीं गए थे, 2 साल से रौनक नहीं थी। आपकी टिकट कंफर्म है? हाँ, यस कंफर्म है, लेकिन परेशानी हुई है, वेटिंग लिस्ट लंबी है सब ट्रेन। हम लोग की शुरू से ही कंफर्म है, बॉम्बे से करवाया है बुक। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, उन्होंने जिन्होंने पहली टिकट उनकी कंफर्म हो चुकी है, वो यहाँ पर परेशान नहीं है। हालांकि जो है आपकी टिकट्स कंफर्म है? यस, पहले बुक करवाए थे या अभी वेटिंग लिस्ट में? नहीं, कंफर्म है, पहले बुक कराए, पहले बुक करवाए थे। यहाँ पर जो देखिए लोग पहुँचे हुए हैं, जाहिर सी बात है जो पहले टिकट्स बुक करवा चुके हैं वो यहाँ पर परेशान नहीं है, लेकिन लगातार जो लंबे समय से जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर टिकट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और इसीलिए जो हैं वो लोग
उनको टिकट्स नहीं मिल पा रहे हैं, कंफर्म टिकट है नहीं है, वेटिंग लिस्ट लंबी है, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ परेशानियाँ हो रही हैं। तो मुश्किलें यहाँ पर बढ़ी हुई हैं, लोगों को कुछ परेशानियां हो रही हैं, लेकिन जिन्होंने पहले से टिकट करा लिया उनके चेहरे एकदम खिले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जूझ रहे हैं उनके सामने मुश्किलें हैं। और यही वजह है कि अगर रेलवे पे टिकट उनको कंफर्म नहीं मिल रहे हैं तो बस स्टेशन का रुख कर रहे हैं कि शायद बसेस मिल जाए। सत्या राजपूत हमारे साथ मौजूद है, बस टर्मिनल पर इस वक्त मौजूद है। सत्या, वहां पर किस तरह की स्थिति है, टिकट्स मिल जा रहे हैं आसानी से या फिर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है? देखिए, हम अंतर्राज्यीय टर्मिनल रायपुर में मौजूद है और यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा जो बसें हैं विभिन्न राज्य और राज्य के अंदर जो है संचालित की जाती है। तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पे कई तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। कई जिलों के लिए जो है बस का वेट कर रहे हैं यात्री, कई जिलों के जो बसें हैं खाली जा रही है। तो यहाँ पे दो तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। दो तीन जिला है, जैसे कि बात करें महासमुंद और बालोद, ये दो जिला है, इनके लिए यात्री बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने घर के लिए निकल रहे हैं। दिवाली का सीजन है और ऐसे में लोग घर जाकर त्यौहार मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे स्थिति में जो है यहाँ नौकरी करने पर आए लोग, जो पढ़ने लिखने पहुँचे लोग हैं वो अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, ऐसे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हो आप? अभी थोड़ा कितने बजे की बस? 5 बजे। 5 बजे की पहले से पहुँच गए? हाँ, पहले से। अच्छा, गाड़ी सही टाइम पे चल रही है? नहीं, नहीं चल रही है। किससे बातचीत हो रही है गाड़ी को? हाँ, मतलब अभी बात हुआ है, अभी बस नहीं लिया 5 बजे। यहाँ पे और यात्री हैं, उनसे भी चलकर समझते हैं कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सरायपाली। सरायपाली गाड़ी मिल गई? नहीं। कितने बजे की बस? 4:30 बजे की। टिकट हो गई? नहीं हुई अभी तक। कॉल करेंगे? नहीं, हम लोग बोल रखे थे कॉल करके, बट उन्होंने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है। देखिए, यहाँ पे समस्या ये है कि यात्री वेट कर रहे हैं, चूंकि बस का टाइम जो है 5 बजे का है और कुछ यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? सरायपाली। अच्छा, सरायपाली जा रहे हैं। आपके साथ क्या दिक्कत है? बस नहीं मिल रहा है। बस नहीं मिल रहा है, कितने समय से खड़े हो? एक घंटा। हाँ। बस का समय क्या है? और ये 4 बजे। हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पे ये सरायपाली की ओर है। एक और अगर हम बात करें तो 1000 से ज़्यादा बस संचालित होती है, तो ये महासमुंद सरायपाली है। यहाँ जो तस्वीर है, यहाँ इंतज़ार का दिख रहा है कि घर कब पहुँचे, बस कब आए, ये स्थिति है। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सैकड़ों बसें हैं जो खाली यहाँ पे है, और इनको यात्री यहाँ पे जो है सफ़र करने के लिए नहीं मिल रहे, और एक और जो है बस का इंतज़ार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ से यहाँ पे 4-5 अलग अलग राज्यों में बस यहाँ से जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे जो बॉर्डर से लगे जो राज्य हैं वहाँ पे यहाँ के जो बस हैं जो यहाँ से जाती हैं। कुछ बस संचालक हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर भरी जा रही हैं, लेकिन कुछ बसें यहाँ पर खाली भी जा रही हैं। नजर बनाकर रखिए, कुमार इंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस टर्मिनल पर मौजूद हैं, जबलपुर में है। कुमार इंदर, वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा भीड़ है या फिर टिकट्स मिल जा रहे हैं आज आसानी से? दयाल अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है ये। हाँ। वहीं पर हम लोग खड़े हैं जहाँ पर एक दिन में कम से कम हजारों बसें जो है वो यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पर भी जो लोग हैं त्योहारों में, इस साल भी लोग यहाँ पर जो है वो खड़े हैं अपने भाड़े का इंतजार करते हुए। क्यों, कहाँ जा रहे हैं आप? अपने घर जा रहे हैं। अपने घर जा रहे हैं, तो टिकट मिल रही है क्या? तो मिल रही, पर बहुत बस में भीड़ चल रही है क्योंकि दीपावली आने वाली है ना। दीपावली आने वाली, कहाँ जाना चाहें? त्योरा। त्योरा जाना है। तो कब से खड़े हो यहाँ पर आप? करीबन 2 घंटे हो गए, 1.5 से 2 घंटे हो गए। 1.5 घंटे हो गए खड़े खड़े, है ना? आपको कहाँ जाना है? आप भी? हमें भी त्योरा ही जाना है। हाँ, क्या बसों की क्या स्थिति है यहाँ पर? बसों की तो सीट नहीं मिल रही, खड़े ही जाना खड़े। हाँ, अच्छा, ट्रेनों के अलावा बसों में सबसे जो पूरे जगह जाने की भीड़ चल रही है? भीड़ चल रही है। तो क्या किराया भी बढ़ा के ले रहे हैं? कुछ ऐसा है क्या जो सामान्य दिनों में किराया अच्छा से ज्यादा लग रहा हो? नहीं, किराया तो किराया वही है। आप लोग, आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे। कब से खड़े हैं यहाँ पर बस के लिए आप लोग? 1 घंटा हो गए। तो क्या बस आई नहीं है क्या? ये तीसरी बस है, जगह नहीं मिल पा रही है, पूरी फुल है। कहाँ जाना है अपने को? नथिंगपुर। क्या त्योहार में जा रहे हैं घर? त्योहार में जा रहे हैं। तो
देखिए ये मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ कि लोग जो है ये देखिए आप बस के अपने अपना इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बसें आ रही हैं और जो है वो भर के निकल जा रही है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बसें निकल भी रही हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ। वीरेंद्र गवई हमारे साथ बिलासपुर रेलवे स्टेशन जुड़े हुए हैं, वहां पर क्या हालात है वीरेंद्र? हाँ देखिए ये जो स्टेशन है यहाँ पर अमूमन जो मुंबई कलकत्ता और दिल्ली तरफ जो ट्रेनें जाती हैं उनमें काफ़ी भीड़ होती है और चूंकि त्योहारी सीजन है तो खास करके उड़ीसा और बिहार के लोग यहाँ से जाते हैं। लेकिन अभी जो ट्रेन लेट चल रही है उससे खासी दिक्कतें हो रही है ऐसा यात्रियों का कहना। मैं यात्रियों से बात करता हूँ, ये बताइए ट्रेन से आप लोग बाहर जा रहे हैं किस तरह दिक्कत हो रही है? बहुत लेट आ रहा है जी, बहुत लेट आ रहा है। आज देखिए उत्कल बहुत लेट जा रहा है, एक महीना हुआ हम लोग झेल रहे हैं, आज की बात नहीं है। क्या प्रॉब्लम है लाइन में पता नहीं। अभी देखिए आज़ाद हिंद और शालीमार ये तो बहुत लेट दिखा, दो तीन घंटा लेट, एक घंटा इसे लेट लेट दिखा रहा है। कैसे कैसे फिर इंतजार कर रहे, कोई जानकारी रेलवे देती है? हाँ इंक्वायरी है, यही आने से पता चलता है ये है। फिर मतलब अभी त्यौहार का समय है, किस तरह प्रॉब्लम तो हो ही रहा है जी, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा नहीं तो सबका प्रॉब्लम, सब बैठे हुए देखिए। ऐसा आप बताइए ट्रेन लेट चल रही है, त्यौहार है, कैसी दिक्कत है? हाँ अभी त्यौहार का समय है भैया, और अभी मैं करीबन कल से निकला हूँ बीजापुर से और यहाँ आकर देख रहा हूँ तो क्या बोलते हैं गोड़वाना ढाई घंटे लेट है, और इससे पहले झारसुगड़ा पैसेंजर था वो लगभग डेढ़ दो घंटे लेट था। इस तरह से बहुत दिक्कत हो रही है जाने आने में, और जनशताब्दी हो सकता है एक घंटा शायद लेट है। बिल्कुल वजह तो पता नहीं भैया, क्या वजह बता रहे हैं कैसा है वो पता नहीं है, बट इतना दिक्कत हो रहा है कि क्या बताएं, घर भी समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब यहाँ रायगढ़ जाना है तो हो सकता है 9-10 बजे यात्री जूझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस तमाम बातचीत के, इस तमाम जानकारी के। कुमार इंदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सत्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमृताची आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि कैसे हमारे जो सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सबसे उन्होंने बातचीत की सारे पैसेंजर्स से, कुछ की परेशानी, कुछ के चेहरे खिले भी हुए हैं क्योंकि उनके टिकट्स पहले से कन्फर्म हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।